हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं सिद्धांत सर आपके बीच फिर से उपस्थित हुआ हूं। आज आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं प्राइमरी सेक्शन का इंग्लिश। क्या है हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स मेनली दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं हम लोग पढ़ते आते हैं। आर्टिकल मेनली दो तरह के होते हैं, कौन कौन, डिफरेंट आर्टिकल और इनडिफरेंट आर्टिकल। यूजेज ऑफ आर्टिकल कितने होते हैं, तीन। जैसे ए एंड द यूज किया जाता है, लेकिन हम लोग कोई पूछेगा कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के। क्या होते हैं, दो प्रकार के। आइए बताते हैं आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। क्या होता है, इनडिफिनिट आर्टिकल और डिफिनिट आर्टिकल। कौन कौन होते हैं बच्चों, इनडिफिनिट आर्टिकल, इनडिफिनिट, डी ए फाइव ए नाइन टी, इनडिफिनिट आर्टिकल्स, A-R-T-I-C-A-P-S, ठीक है, indefinite और definite, D-E-A-5-A-N-I-T, definite article, A-R-T-I-C-A-P-S, क्या कहते हैं, indefinite article और definite article, ठीक है। तो indefinite में कौन-कौन आएंगे, indefinite में आएंगे क्या, A, and, A और क्या आएंगे, and, ठीक है, और definite में क्या आएगा बच्चों, बोलिए, the, ए इसका यूज कहां होगा, एकदम निश्चित चीज के लिए, ठीक है। द मून द सन, ए क्या हो गया, इनडिफिनिट आर्टिकल। इनडिफिनिट आर्टिकल में क्या क्या लगता है, ए और एन, यानी ए एन को हम इनडिफिनिट आर्टिकल बोलते हैं और द को डिफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। हम मान लीजिए, देखिए हम लोग पढ़ेंगे ए एन द होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूजेज ऑफ आर्टिकल बोल सकते हैं। यानी यूजेज ऑफ आर्टिकल क्या होते हैं, ए एन और द को हम यूजेज ऑफ आर्टिकल बोलते हैं। अब आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं, इनडिफिनिट आर्टिकल के बारे में, इनडिफिनिट आर्टिकल का यूज हम कैसे करते हैं। आइए हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं, इनडिफिनिट आर्टिकल। इसके पहले आप लेटर का ज्ञान होना चाहिए बच्चों। अब आइए, अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं, 26। अल्फाबेट में ए एल पी एच ए बी ई टी एस, अल्फाबेट्स में कितने लेटर होते हैं, 26। यानी A to Z जो लेटर हुआ उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फाबेट, ठीक है। इसमें वोवेल कितने होते हैं और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, क्या बताया, वोवेल कितने होते हैं और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं। तो ये वोवेल V-O-W-E-L-S, C-O-N-S-O-N-A-N-T, कॉन्सोनेंट। वोवेल कितने होते हैं बच्चे, 5, कॉन्सोनेंट 21। अब देखिए हमने क्या बताया, अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, ठीक है, एस टू जेड, यानी ए टू जेड लेटर को हम अल्फाबेट बोलते हैं, ठीक है, हम लोग पढ़ते आते हैं। अब क्या है, वोवेल्स कितने होते हैं, 5 और कॉन्सोनेंट 21, ये दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे तो क्या हो गया, 26 लेटर हो गया। यानी वोवेल कितने होते हैं, 5 और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, 21, दोनों को मिला दें तो क्या हो गया, 26, यानी यही अल्फाबेट है। अब देखिए ये वोवेल है 5, ठीक है, तो वोवेल कौन कौन होते हैं, आइए बता रहे हैं वोवेल कौन कौन होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये क्या हो गया वोवेल। और जो रेस्ट ऑफ नंबर रेस्ट लेटर बचा, ठीक है, आर ई एस टी रेस्ट लेटर, एल ई डबल टी आर रेस्ट लेटर कितना होगा, 21। ए क्या हो गया, ए हो गया कॉन्सोनेंट, 21 जो हो गया कॉन्सोनेंट हो गया, और ये क्या हो गया, 5 जो हो गया ये वोवेल हो गया। तो एन का जो यूज करेंगे वो क्या है, जो लेटर है ए ई आई ओ यू, ये क्या सब है, वोवेल लेटर है। तो इसके पहले अगर ये लेटर स्टार्ट है, मेरा हमारा जो वर्ड है अगर स्टार्ट है ए ई आई ओ यू, तो क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है क्या है, ये लेटर रहेंगे, ठीक है, लेकिन एन लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। इसका मेन रीजन क्या है कि उच्चारण पर ध्यान देना पड़ेगा कि प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है। तो उसके लिए हमको क्या जानना पड़ेगा, उसके लिए हमको जानना पड़ेगा स्वर और व्यंजन।
तो स्वरवन का जो उच्चारण होगा, हम लोग पढ़े हैं हिंदी में स्वरवन, अ से अ तक को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वरवन बोलते हैं, स्वरों की संख्या उसमें पढ़े हैं 11। तो वो उच्चारण जो आएगा अ आई वाला, उसमें क्या करेंगे हम एन करेंगे, और जो क ख वाला उच्चारण आएंगे उसको हम व्यंजन रूप बोलते हैं, उसके साथ हम क्या यूज करेंगे बच्चों, ए का। बस ये अगर ध्यान रखिएगा तो आपका ए एन कभी गलत नहीं होगा। प्रोनाउंसिएशन इसमें क्या है, बहुत जरूरी है। अगर आप प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो कभी गलत होगा नहीं। ऐसा लोग बहुत लोग क्या करते हैं, ए आई ओ देखिए उसमें क्या लगाती है, ए लगाती है, क्या कभी कभी ऐसा मिस्टेक हो जाता है, गलत हो जाएगा। आप प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो क्या होगा, आपका जो वर्ड है वर्ड के बिफोर आप देखिएगा भवेल, ठीक है, तो भवेल लेटर तो देखना भी है लेकिन साउंड मिलनी जरूरी है, भवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड, ये आप अगर ध्यान दे दीजिएगा तो क्या है आपका ए एन आसानी से फिल कर सकते हैं। अब आइए जैसे हम एग्जाम्पल देकर आपको हम समझाते हैं, आपको मालूम होगा ए एन का यूज कैसे होगा। अब आइए आपको हम बताते हैं ए एन का यूज कैसे होगा। अब देखिए कोई वर्ड हम ले लेते हैं, बोलिए क्या है, मान लिया एप्पल, क्या ले लेंगे एप्पल, ए डबल पी ए ई, क्या है एप्पल। अब देखिए एप्पल मेरा क्या है बच्चों, वर्ड है, क्या है वर्ड है, हम क्या बताएं जो भवेल साउंड रहेगा स्टार्टिंग अगर लेटर भवेल साउंड से रहेगा तो उसमें क्या लगेगा एन। अब देखिए ए, ए क्या है ए, एप्पल हो गया पहला लेटर क्या एप्पल है, एप्पल से स्टार्ट है, ए से ए क्या है पहला लेटर, ए भवेल भी है लेकिन उच्चारण क्या हो रहा है स्वरवर्ण हो रहा है, हम लोग पढ़े आए में उसमें ये आता है तो हमें देखेंगे ए तो देखेंगे अगर ए उच्चारण रहेगा, ठीक है, अगर उच्चारण तो भवेल आ गया उसके पहले हम क्या लगाएंगे एन लगाएंगे। कोई डाउट हो तो आप बताइएगा, ठीक है, ए एनिमेशन के यूट्यूब चैनल पे है, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट लाइक शेयर जरूर करें, कोई भी दिक्कत हो आप क्वेश्चन भी डाल सकते हैं ताकि आपको हम बना के भेज सकें। आइए देखिए अब एप्पल हो गया उच्चारण हो गया, अब मान लिया जाए हम क्या करेंगे एग, एग। अब देखिए ए क्या है, ई जो है क्या है बोलिए भवेल है, हम बता रहे ए आई ओ रहेगा तो क्या है भवेल साउंड हो गया, लेकिन क्या है ई साउंड देखना, हिंदी वाले साउंड पे ध्यान देना, ठीक है ई। अब क्या ई, ई आ गया ई, ई है ई वाला ई है, अतः ऐसे उसका बोल एग, ऐसे देखिए ई हो गया एग, एग ई, हम इसे ई लिखते हैं ऐसे ऐसे भी चलेगा, ए हो गया चाहे दोनों देखिए, ए भी क्या है स्वरवर्ण है, ये भी क्या है स्वरवर्ण है, ठीक है भवेल साउंड है, इसके पहले भी क्या लगाएंगे बच्चों हम एन, क्या लगाएंगे एन। और बोलिए आप कुछ, अब देखिए ओ एन आई ओ एन, ओनियन, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, बार बार बता रहे हैं कोई भी वर्ड का भी फर्स्ट लेटर यानी स्टार्टिंग लेटर भवेल साउंड हो, ठीक है भवेल लेटर तो हो ही, मान ले साउंड पे डिपेंड है, बार बार बता रहे हैं क्या साउंड पर डिपेंड करते हैं। अब देखिए कोई ऑनियन पढ़ रहा है तो ओनियन, ठीक है ओ ओ। अब देखिए आई में आता है अ से अ तक वाला वो आता है ओनियन ओ। अब देखिए उच्चारण क्या है भवेल साउंड है यानी स्वरवर्ण साउंड है, इसके बाद हम क्या लगा देंगे ए। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जिसमें आप देखिए हम ले लेते हैं अम्ब्रेला यू एम बी R-E-L-L-A, क्या ले लिए हैं अम्ब्रेला। अब देखिए इसका पहला लेटर क्या है यू है तो भवेल, अब हम उच्चारण देखिए उच्चारण करके भी आप देखिए अम्ब्रेला अ, अम्ब्रेला अ, ठीक है अम्ब्रेला अ, ये क्या है भवेल है यानी स्वरवर्ण है अम्ब्रेला। अब देखिए खाली बस आप ये देखिए पहला लेटर को जरूर नहीं पूरा लिखिए, अब खाली देखिए अब हम लोग क्या होता है ए पर ए एकदम तुरंत जैसे जल्दी जल्दी हमको बनाना रहेगा एग्जाम में, अब हम क्या देखे ए है ई है फिर क्या ओ, अब उतना लिखते जरूर नहीं कि हाँ ओ नी अन ऐसे लिखे ऐसे कोई जरूर नहीं है, ए पूरा लिखे ऐसा कोई बात नहीं, बस ये खाली देखना है पहला लेटर का जो उच्चारण है ओ माने भवेल साउंड से होता है कि नहीं, ऐसे बोलिएगा तो हो गया। अब देखिए ओ
इसमें भी हमारे लगा, अब है अमरेला, अ अस्वर वर्ण है, इसमें भी क्या लग जाएगा एल। अब क्या है हम लोग एग्जांपल देके बताए, तब हम एन का यूज समझ गए कि एन का प्रयोग कहां कहां होता है, यानी जहां भी भवेल साउंड रहेगा, स्वर वर्ण साउंड रहेगा, उसमें हम एकदम आंख बंद के ठीक है आराम से क्या करेंगे, उच्चारण पर ध्यान देंगे और एन का प्रयोग करेंगे। अब आइए ए का प्रयोग, अब बाकी क्या है व्यंजन साउंड रहेगा ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड रहेगा, तो उसमें हम क्या का प्रयोग करेंगे ए का। अभी हम केवल क्या बताने जा रहे हैं ए और एन का ही, इसके बाद हम क्या कर बताएंगे द। अब आइए ए क्या हो गया एन का इमेज हो गया ठीक है, अब हम आते हैं इसके बाद ए का। अब आइए यूजेज ऑफ ए, अब ए का यूज कहां कहां होता है, तो हमने क्या बताया है ए का यूज कहां होता है कॉन्सोनेंट साउंड ठीक है, यानी कंसोलिडेटेड इंग्लिश में कितने होते हैं 21 और हिंदी में कितने होते हैं ऐसे कंसोनेंट 33 ठीक है, लेकिन उच्चारण जो भी कंसोनेंट साउंड वाले होंगे उच्चारण उसमें क्या लगाएंगे हम ए लगाएंगे। अब आइए देखिए मान लीजिए कोई एग्जांपल हम लेते हैं ए का यूज कहां कहां होगा, अब ले लीजिए मान लीजिए बुक बी डबल ओ के, देखिए तो ब बी से ब होता है बुक हुआ ठीक है, ब भी लिख सकते हैं ऐसे, ऐसे क्या हो बुक बुक। अब ये क्या है ब किसमें आता है पपा ब में आता है, तो क्या है व्यंजन वर्ण है, तो उसमें क्या लगेगा ए। हमने क्या बताया कि हम लोगों को हिंदी पर ध्यान देना ठीक है, हिंदी वाले स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण पर ध्यान दीजिएगा, आपको कभी लाइफ में ए और एन का यूज करने में दिक्कत नहीं होगा, कभी दिक्कत नहीं होगा। अगर मान लीजिए खाली भवेल पर ध्यान दीजिए, फाइव भवेल होते हैं ऐसे ही पढ़ाया था भवेल एंड प्रांत लगा दीजिए, लेकिन उच्चारण में क्या है उच्चारण बहुत जरूरी है, बिना उच्चारण का ए एन का प्रयोग में आप गलती कर बैठे हैं, आपका एग्जाम में गलत हो जाएगा। अब आइए जैसे बुक है हम क्या लगाएंगे बच्चों बोलिए ए, अब हम मान लिया पेन बनेगा, देखिए ये क्या है प पी, तो क्या है पेन, पेन पपा में आता है, अब कहे ए हम क्या बोले पे बोलिए प पी से प होता है ठीक है, ऐसे बोले बोले कैसे थोड़ी लिखा जाता सर, तो ये क्या है पपा प होता है, तो आप कहे देखिए हम क्या बोले आप खाली देखिए उच्चारण क्या होता है, तो व्यंजन वर्ण है प या पेन हम बोलते हैं, तो पे क्या हो गया देखिए पे ना पेन, तो इसका उच्चारण क्या हो रहा है कॉन्सोनेंट हो रहा है, कॉन्सोनेंट हम क्या बताए हैं ए। अब हम कुछ और ले लेते हैं, देखिए एक और एग्जांपल दे देते हैं, आप ही बोले क्या ले हम टेबल ले लेते हैं टी ए बी ए बी, क्या ले लेते हैं टेबल। अब देखिए पहला लेटर क्या है उसमें क्या आ रहा था एन का जब हमको प्रयोग करना था यूज करना था तो क्या आता था भवेल साउंड आता था, ए का जब हम यूज कर रहे हैं देखिए ए भी क्या है कॉन्सोनेंट है, ए भी क्या है कॉन्सोनेंट लेटर है, ए भी क्या है कॉन्सोनेंट लेटर है, उच्चारण भी क्या आ रहा है उच्चारण भी आ रहा है कॉन्सोनेंट, जैसे बुक पेन, अभी क्या हो गया टेबल, क्या हो गया टेबल टे या टॉप, तो उच्चारण क्या रहा है कॉन्सोनेंट आ रहा है, इसमें क्या लगाएंगे बच्चों हम ए। यही डिफरेंस है क्या है ए और एन में यूज करने में, यानी ए का यूज हम लोग क्या सीखे कि ए का यूज जब भी करते हैं तो कॉन्सोनेंट लेटर के साउंड के पहले करते हैं और एन का प्रयोग कहाँ करते हैं भवेल साउंड के पहले करते हैं। अब देखिए आपका थोड़ा बहुत कंफ्यूजन जो हटा देते हैं, क्यों हम लोग उच्चारण पर ध्यान देते हैं, मान लिया हम एक आध एग्जाम्पल लेकर हम बता देते हैं जैसे आवर एच ओ यू आर, अब देखिए ये क्या है ये लेटर क्या है बच्चों बोलिए कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट है कॉन्सोनेंट है, हम आप बोलिएगा कि आप सब बता रहे कॉन्सोनेंट में ए लगा दे रहे हैं, बात है ना एकदम सही बात है बोले, लेकिन हम ये भी बार बार बोल रहे हैं बच्चों ध्यान देना है ये क्या है आवर, एज क्या है साइलेंट है आवर आवर आ, तो इसमें हम क्या लगाएंगे अगर ए ऐसे लगाते हैं तो क्या होगा बच्चों रंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा रंग हो जाएगा,
लेकिन अब कोई बच्चा नहीं करेगा सलाह तो बता है ये है, ऐसा नहीं होता। हम बाहर वाले भी बता रहे हैं बच्चों क्या है, साउंड का ध्यान देना है आपको, क्या चीज देना है साउंड का ध्यान देना है। इसमें क्या होगा राइट, इसमें क्या होगा बच्चों एन, यानी एन आवर हमारा राइट हो जाएगा। ऐसे बहुत है इसको ओमिशन बोलते हैं मान लिया जाए, ठीक है। तो ऐसा वर्ड के लिए ही हम क्या बता रहे हैं स्वर और व्यंजन का क्या बता रहे हैं, वो हो जाएगा तो ऐसा आ जाएगा तो गड़बड़ नहीं होगा आपको। अब आइए क्या है इसके बाद, क्या है ए एन का यूज जान गए, अब है द, ठीक है। तो द का हम अगले वीडियो बनाएंगे उसमें जाएगा, लेकिन द थोड़ा बहुत जान लीजिए। द का उच्चारण कहाँ होता है, द का यूज होगा जब भी होगा तो निश्चित चीज के लिए, जैसे दम द सम एकदम निश्चित है, ठीक है। उसमें क्या होता है द का प्रयोग होता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद। इसमें भी क्या लग जाएगा एन। अब क्या है हम लोग एग्जाम्पल देखे बताए, तो अब हम एन का यूज समझ गए हो कि एन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, यानी जहां भी भवेल साउंड रहेगा स्वर और साउंड रहेगा उसमें हम एकदम आंख बूंद के, ठीक है, आराम से क्या करेंगे उच्चारण पर ध्यान देंगे और एन का प्रयोग करेंगे। अब आइए ए का प्रयोग। अब बाकी क्या है व्यंजन साउंड रहेगा, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड रहेगा, तो उसमें हम क्या का प्रयोग करेंगे ए का। अभी हम केवल क्या बताने जा रहे हैं ए और एन का यूज, इसके बाद हम क्या क्या बताएंगे द। अब आइए ए क्या हो गया एन का यूज हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं इसके बाद ए का। अब आइए यूजेज ऑफ ए। अब ए का यूज कहां कहां होता है, तो हम क्या हमने क्या बताया है ए का यूज कहां होता है कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है, यानी कॉन्सोनेंट इंग्लिश में कितने होते हैं 21 और हिंदी में कितने होते हैं ऐसे कॉन्सोनेंट 33, ठीक है। लेकिन उच्चारण जो भी कॉन्सोनेंट साउंड वाले होंगे उच्चारण उसमें क्या लगाएंगे हम ए लगाएंगे। अब आइए देखिए मान लीजिए कोई एग्जाम्पल हम लेते हैं ए का यूज कहां कहां होगा। अब ले लीजिए मान लीजिए बुक बी डबल ओ के, देखिए तो ब बी से ब होता है बुक हुआ, ठीक है, ब भी लिख सकते हैं ऐसे, ऐसे क्या हो गया बुक बुक। अब ये क्या है ब किसमें आता है पप में आता है, तो क्या है बेनेरोन है, तो उसमें क्या लगेगा ए। हमने क्या बताया कि हम लोगों को हिंदी पर ध्यान देना, ठीक है, हिंदी वाले स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण पर ध्यान दीजिएगा, आपको कभी लाइफ में ए और एन का यूज करने में दिक्कत नहीं होगा, कभी दिक्कत नहीं होगा। अगर मान लीजिए खाली भवेल पर ध्यान दीजिए, फाइव भवेल होते हैं ऐसे ही पढ़ा जाता है, भवेल एन तुरंत लगा दीजिए, लेकिन उच्चारण में क्या है उच्चारण बहुत जरूरी है, बिना उच्चारण का ए एन का प्रयोग में आप गलती कर बैठे हैं, आपका एग्जाम में गलत हो जाएगा। अब आइए जैसे बुक है हम क्या लगाएंगे बच्चों बोलिए ए। अब हम मान लिया पेन रहेगा, देखिए ये क्या है प पी तो क्या है पेन, पेन प में आता है। अब ए हम क्या बोले पे बोलिए प पी से प होता है, ठीक है, ऐसे बोले बोलिए कैसे थोड़ी लिखा जाता सर, तो ये क्या है प प होता है। तो आप कह देखिए हम क्या बोले आप हल देखिए उच्चारण क्या होता है, तो व्यंजन होना है प या पेन हम बोलते हैं, तो पे क्या हो गया देखिए पे ना पेन, तो इसका उच्चारण क्या हो रहा है कॉन्सोनेंट हो रहा है, कॉन्सोनेंट में हम क्या बताए हैं ए। अब हम कुछ और ले लेते हैं, देखिए एक और एग्जांपल दे देते हैं, आप ही बोलिए क्या ले हम टेबल ले लेते हैं टी ए बी ए ली, क्या ले लेते हैं टेबल। अब देखिए पहला लेटर क्या है उसमें क्या रहा था एन का जब हमको प्रयोग करना था यूज करना था तो क्या आता था भवेल साउंड आता था, ए का जब हम यूज कर रहे हैं देखिए ए भी क्या है कॉन्सोनेंट है, ए भी क्या है कॉन्सोनेंट लेटर है, ए भी क्या है कॉन्सोनेंट लेटर है, उच्चारण भी क्या आ रहा है उच्चारण भी आ रहा है कॉन्सोनेंट, जैसे बुक पेन। अब ये क्या हो गया टेबल, क्या हो गया टेबल टे या टॉप, तो उच्चारण क्या रहा है कॉन्सोनेंट आ रहा है, इसमें क्या लगाएंगे बच्चों हम ए। यही डिफरेंस है क्या है ए और एन में यूज करने में, यानी ए का यूज हम लोग
क्या सीखे कि ए का यूज जब भी करते हैं तो कॉन्सोनेंट लेटर के साउंड के पहले करते हैं और एन का प्रयोग कहाँ करते हैं, वॉवल साउंड के पहले करते हैं। अब देखिए आपका थोड़ा कंफ्यूजन जो हटा देते हैं, क्यों हम लोग उच्चारण पर ध्यान देते हैं। मान लिया हम एक आध एग्जाम्पल लेकर आपको बता देते हैं, जैसे आवर एच ओ यू आर। अब देखिए ये क्या है, ये लेटर क्या है बच्चों बोलिए, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है। काम आप बोलेगा कि आप सब बता रहे हैं कॉन्सोनेंट में ए लगा दे रहे हैं, बात है ना, एकदम सही बात है बोले, लेकिन हम ये भी बात बोल रहे हैं बच्चों ध्यान देना है, ए क्या है आवर, एच क्या है साइलेंट, आवर आवर आ, तो इसमें क्या लगाएंगे, अगर ए ऐसे लगाते हैं तो क्या होगा बच्चों, रंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा रंग हो जाएगा। लेकिन अब कोई बच्चा जी करेगा सर आप तो बता है कि ए है, ऐसा नहीं होता, हम बाहर ये भी बता रहे हैं बच्चों क्या है, साउंड का ध्यान देना है, क्या चीज देना है साउंड का ध्यान देना है। इसमें क्या होगा राइट, इसमें क्या होगा बच्चों एन, यानी एन आवर हमारा राइट हो जाएगा। ऐसे बहुत है, इसको ओमिशन बोलते हैं मान लीजिए, ठीक है। तो ऐसा वर्ड के लिए ही हम क्या बता रहे हैं, स्वर और व्यंजन का ज्ञान बता रहे हैं, वो हो जाएगा तो ऐसा आ जाएगा तो गड़बड़ नहीं होगा आपको। अब आइए क्या है इसके बाद, क्या है ए एन का यूज जान गए, अब है द, ठीक है। तो द का हम अगले वीडियो बनाएंगे उसमें जाएगा, लेकिन द थोड़ा बहुत जान लीजिए। द का उच्चारण कहाँ होता है, द का यूज होगा जब भी होगा तो एकदम निश्चित चीज के लिए, जैसे द मून द सम द, एकदम निश्चित है, ठीक है। उसमें क्या होता है द का प्रयोग होता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।